इनिशिएटिव था यहाँ पर जो लोगों को सबसे पहले सम्मानित किया गया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो क्राउन आपने आज पहना है कितना प्राउड फील हो रहा है एज अ वुमन क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सारे विनर्स को कंग्रेचुलेशंस और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ नारी फर्स्ट इनका पहला एडिशन जो है एंड आई थिंक आई हैव टू से बड़े प्यार से आपने ये इवेंट आपने किया है बड़े प्यार से आपने ये सारा जो भी आपने स्टेज पे आपने दिखाया इट वाज रियली वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स सेड फॉर ईच वन ऑफ देम सो रियली वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई थिंक ये नाम ही बहुत ही प्यारा नाम है नारी फर्स्ट सब भूल जाओ जस्ट थिंक अबाउट द वुमेन गिव देम देयर प्लेस गिव देम देयर प्लेटफॉर्म गिव देम देयर ड्यू एंड आई थिंक दैट्स व्हाट नारी फर्स्ट इज ऑल अबाउट एब्सोल्युटली एकदम मैम मलाइका जी से सब लोग इंस्पायर होते हैं क्या कहना चाहेंगे आज जब उन्होंने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई क्या कहना चाहेंगे और कितना इंस्पायर होंगे जो वुमेन्स आज यहाँ पर फेलिसिटेट हुई और जो भी लोग थे यहाँ पर जो आज यहाँ पे आए हैं मलाइका मैम उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एंड दे हैव कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश सिलीगुड़ी और वो सिर्फ मलाइका मैम की इंस्पिरेशन है उनकी तभी आए हैं उनकी फिटनेस हाउ शी कंडक्ट्स हर सेल्फ पब्लिकली हाउ शी इज़ बीन एपिटोम ऑफ ग्रेस ब्यूटी एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट शी इज़ बीन एसोसिएटेड विद वुमेन एम्पावरमेंट तो इसीलिए सब लोग उनको इतना प्यार करते हैं इतना रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए सब आए हैं और अब जब मैम का मैसेज बाहर जाएगा तो आई एम श्योर वी हैड 130 राइट नाउ नेक्स्ट टाइम वी गोना हैव 500 आई एम श्योर विदाउट अ डाउट आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द ऑफ नारी फर्स्ट इज एज इज नो बैरियर ओवर हियर 20 साल से लेके 60 साल तक आई थिंक यहाँ पे इतने अमेजिंग महिलाएं राइट फ्रॉम मदर्स टू ग्रैंड मदर्स टू डॉक्टर्स टू आई मीन दैट इज फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ सो आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी वुमेन विदाउट फीलिंग कि हाय मैं कैसे जाऊँ स्टेज पर मैं कैसे ऐसे कॉम्पिटिशन में कैसे मैं हिस्सा बनूँ सो आई थिंक यू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी टू फॉरगेट अबाउट दैट एंड पुट देमसेल्फ्स यस एब्सोल्युटली मलाइका थैंक यू आप अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी वुमन है जिससे इंस्पायर होती हैं ऐसे तो बहुत सारे मेरे लाइफ में वुमेन है जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है बट जैसे उन्होंने कहा एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर मदर माय मदर इज़ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन माय सिस्टर एज वेल सो यस दे आर द मोस्ट इंस्पिरेशनल इन माय फैमिली इनफैक्ट मेरे फैमिली में इतने सच अ मैट्रियार्कल साइड ऑफ माय फैमिली सारे इतने आंट्स हैं मेरे फैमिली में तो आई थिंक ऑल माय आंट्स आर माय इंस्पिरेशन ओवर द इयर्स सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग वुमेन इन माय लाइफ मेरे गर्ल फ्रेंड्स मेरे गर्ल ग्रुप ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल मलाइका जी फिटनेस के बारे में बताना चाहेंगे तो नारी शक्ति को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी इतनी फिटनेस रखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आई थिंक फिटनेस एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है सबकी कई जस मैंने तो बहुत पहले मैंने स्टार्ट किया था बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी ऐसे कोई मतलब किताब में लिखा नहीं कि जब आप 20 साल के हो जाओगे या 40 साल के या 60 साल के ऐसे कुछ लिखा नहीं है जब आपको लगे कि येस यू आर ऑन अ पाथ ऑफ फिटनेस इट इज़ वेरी गुड बट आई वुड अर्ज एवरीबडी टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज अगर आप पहले आप स्टार्ट करोगे तो बाद में जब आप एज़ यू ग्रो ओल्डर और जैसे जैसे आप एज होते जाओगे योर लाइफ विल जस्ट बिकम बेटर एंड मोर वैल्यूएबल सो दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अंशु सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली यहाँ पर मलाइका जी आई है सेलिब्रेट करने के लिए मैं कहूँगा साथ ही आप भी जो है वुमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है वुमन्स को सेलिब्रेट करना उनको अप्रिशिएट करना मैंने यहाँ पे भी बोला था दैट नारी फर्स्ट
just is not an idea which has just arrived. It is here to stay. Because I feel Nari is where the culture of the civilization has started. और मेरे ख्याल से नारी में हमारे सोसाइटी में जितनी हम लोग पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में करेंगे, जितना इकोनॉमिक उनके लिए हम लोग काम करेंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, आई थिंक वो सब हमारी पूरी सोसाइटी को और इंक्लूसिव करेगा. हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है एंड आई थिंक उसके लिए हमें बहुत काम करना चाहिए. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दी स्मॉल स्टेप्स वी वॉन्ट टू टेक टू मेक श्योर देर इज़ अ होलिस्टिक वे इन विच वुमेन लुक एट नॉट ओनली फिटनेस बट मेंटल फिटनेस. आज की डेट में issues around mental fitness. So holistic health, wellness and completeness of a woman becomes when we make them a community. And I think this is a path where we want to make them a holistic community where they support each other, enable each other and they are always there for each other. Rita ma'am and Shivani ma'am, aap log kya kehna chahenge? Women's ko celebrate karna aur jo initiative ma'am ne liya, Ekta ma'am, kitna important hai aur kya kehna chahenge ma'am? Main ye kehna chahungi ki waqt se waqt ke sath sath hum सबको बदलना चाहिए. आजकल की मॉडर्न वुमेन जो घर भी संभालती हैं, करियर भी संभालती हैं, उनको सेलिब्रेट करना, उनको और स्पेशली जो इस वक्त पीछे रह गई हैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें आने लेके आना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. जो हमारी नारी फर्स्ट की टीम कर रही है कि उनको छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से पकड़ के हम लोग ऑनलाइन क्लासेज उनको दे रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं जो कि आजकल की मॉडर्न नारी को चाहिए. और हमारे पार्टिसिपेंट्स में आप देखेंगे छोटे से शहर से लेके बड़े से बड़े शहर की लड़कियां आई और एक साथ आपस में जब वो मिक्स हुई, एक दूसरे को जाना, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी हुई है. जैसे कहते हैं कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता. एक वक्त था जब औरत को पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है. सो वो वक्त बदलने की हमारी कोशिश है और हमें पूरा विश्वास है कि हम नारी शक्ति को और नारी फर्स्ट को बहुत आगे लेके जाएंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे. शिवानी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज होगा जो वुमेन्स आपको देख रही है और जो आपसे इंस्पायर हो? सो नारी फर्स्ट एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया. सारे कंटेस्टेंट्स की कहानियाँ सुनी, यू नो, उनको देखा, उनके साथ इंटरेक्ट किया और मुझे लगता है म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छा आइडिया था एकता का कि परफॉर्म फॉर दीज कंटेस्टेंट्स, बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ वेरी ग्रेट थेरेपी एंड इट ऑल्सो एम्पावर्स यू, एनर्जाइजेज यू. सो ईच टाइम आई परफॉर्म फॉर देम, जितने भी कंटेस्टेंट्स थी चाहे कोई भी एज हो, दे ऑल केम अलाइव एंड आई कुड सी द ज़ील एंड द एनर्जी एंड द ब्यूटी विच इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन देम ऑल्सो. सो आई थिंक बिग अप टू नारी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको डांस मिला, म्यूजिक मिला और एक जो टैलेंट राउंड था वो मेरा सबसे फेवरेट राउंड था. दे रियली रियली शोड देयर टैलेंट इन सच अ माइंड ब्लोइंग एंड यूनिक वे. सो हियर्स टू नारी फर्स्ट एंड टू मेनी 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 मोर सीजंस. लास्टली एकता मैम, क्या मैसेज होगा जो महिलाएं, जो वुमेन्स आपको देख रही है और इंस्पायर होती है? हम वही बोलेंगे, अपनी ड्रीम्स, अपना पैशन और अपना एम्बिशन कभी मत छोड़ना लाइफ के अंदर. यू नो, जो ड्रीम्स ही हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे, आपके एम्बिशन, क्योंकि वही आपकी फैमिली को देखेंगे, वही आपकी सोसाइटी में आपको आके लेके जाएंगे. सो यू नो, बी अ पार्ट ऑफ नारी फर्स्ट, कम हियर विच इज़ सो इंक्लूसिव. आपको यहाँ पे वर्कशॉप्स मिलती हैं, वी हैव अमेजिंग पार्टनर्स, वी हैव रीटा, वी हैव संदीप सर हुज़ बीन अ शो डायरेक्टर एंड ही इज़ बीन हैंड होल्डिंग द गर्ल्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग. 3 महीने से सबसे ज़्यादा जो वर्कशॉप्स हमारी हुई होंगी वो संदीप सर और रीटा मैम ने लिए हैं. और जो कॉन्फिडेंस लेडीज में आता है इन वर्कशॉप्स के बाद कि वो होम मेकर से और अब जो वो आके रैंप में वॉक करती हैं और अपने आप को शोकेस करती हैं, वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है. एब्सोल्युटली. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ज्यादा कि वुमेन्स को सेलिब्रेट कितना करना कितना जरूरी है. आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं क्योंकि सबसे पहले आप जो है वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं. इनके बारे में बताइए और नारी फर्स्ट के साथ एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ शेयर करें. पर मेरा ये मानना है, हम लोग जो पुरुष लोग हैं वो सब इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हमारे साथ हमारी नारियां हैं साथ में. बी इट मदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, वाइव्स, जो भी आप बोलें, दे ऑल आर देयर एंड दैट इज़ व्हाई वी आर हियर. ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए. और इसी कारण से जब मैं नारी फर्स्ट ने अप्रोच किया कि हमें अभी दे वांट मी अ शो डायरेक्टर,
फैक्ट आई वाज सो थ्रिल्ड, थैंक यू एकता मैम फॉर हायरिंग मी ओवर फॉर दिस. हर एक महिला जो यहाँ पे आई थी, हर एक महिला मैं बोलूँगा शी इज सो एम्पावर्ड, उनकी एक एक कहानियाँ ऐसी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, वापस यहाँ उठ करके आई हैं. आई थिंक दैट्स वॉट मेक्स एम सो वेरी स्पेशल, दैट्स वॉट मेक्स नारी फर्स्ट सो वेरी स्पेशल. यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी सब अचीवर्स इन द ओन वे इन सम राइट और दी अदर, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, चाहे वो आर्मी पर्सनल्स हों, चाहे वो कुछ भी फील्ड्स हैं, बिजनेस फील्ड्स हैं, कहीं से भी हों, दे ऑल आर अचीवर्स इन द ओन वे. एक महिला थी 8 महीने के बच्चे घर पर छोड़ कर यहाँ पे आई थी जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट टू शोकेस हर सेल्फ. आई थिंक इट फील्स एब्सोल्युटली वंडरफुल किस तरह से महिला अपने आप में सशक्त हो गई है एंड वॉन्ट्स टू कम अप इन लाइफ एंड डू सो मेनी मोर थिंग्स एंड दैट्स फॉर नारी फर्स्ट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रेट टू एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर 3 दिन से आप यहाँ पर थे, ग्रूम कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जब पहले बार बोला कि ऑनलाइन वर्कशॉप देने पड़ेंगे आई वॉज नॉट टू श्योर बिकॉज जो लेडीज हैं सारी बिल्कुल नॉन ट्रेंड थी, बट धीरे धीरे 2 महीना ट्रेनिंग करके अब जो यहाँ पे आई इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई लव द ट्रांसफॉर्मेशन. जिस तरह से शुरुआत की थी और जब बाद में यहाँ पे ख़त्म हुआ है, आप जब देखेंगे आप भी सशक्त रह जाएंगे बिल्कुल किस तरह से हुआ है. इट इज जस्ट कम्प्लीटली वंडरफुल टू सी दैट. थैंक यू सो मच. आपको सम्मानित किया है, कितना खुशी महसूस हो रही है, क्या फीलिंग है आपको? सो दिस हैज बीन एन अनरियल एक्सपीरियंस फॉर मी. आई हैड नेवर इमेजिनड दैट आई वुड बी हियर एंड आई विल गेट टू मीट ऑल दीज ग्रेट पर्सनालिटीज एंड पीपल लॉन्ग ऑल देयर लाइफ टू मीट दीज पीपल एंड वी गॉट लकी टू स्पेंड सो मच टाइम टू लर्न फ्रॉम संदीप सर, टू लर्न फ्रॉम रीटा मैम, टू बी हियर विद एकता मैम. एंड दिस इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स वुमेन empowerment and it's an amazing opportunity to be a part of this whole event and of course I feel amazing, like a dream come true to be here. एक डॉक्टर से लेके यहाँ तक की जर्नी, वो फर्स्ट स्टेप कौन सा था या बता सकते हैं? फर्स्ट स्टेप था मलाइका मैम का इंस्टाग्राम पोस्ट, वो देख के आई फेल्ट के दिस इज समथिंग जिसमें कोई मिस मिसेज हाइट वेट देर इज नो सोशल और physical cut off, no criteria to enter the pageant and it's more of a personality pageant where you're going to be assessed ki aap kaise ho, aapka personality kaisa hai. So someone wanted beyond physical beauty, so I thought let's go there and experience the whole event, how it goes all. It exceeded the expectations. मैम आप पेजेंट्स में जब आई थी क्या कुछ था दिमाग में, कितना टेंशन में थे या कॉन्फिडेंस थे, क्या था जैसे कंडीशंस को देखे क्या डर गए थे, डिफिकल्टीज थी, जान चाहता हूँ आपसे क्या क्या. वेल ऐसा कुछ भी नहीं था कि ट्रेस में आ गई हो या कुछ, क्योंकि हमारे मेंटोर्स इतने अच्छे थे, स्पेशली डॉक्टर रीटा मैम, वो इतनी मोटिवेट करती हैं, इतना पॉजिटिव वाइब्स हैं उनमें कि किसी को भी यू नो वो स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आती है. सो मैं लॉयर बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे लिए बिल्कुल ही अलग जर्नी रही है, लेकिन जो पॉजिटिविटी मैंने यहाँ आके सीखी है, पंचुअलिटी में और परफेक्शन लाना संदीप सर से सीखा है, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई बिलीव हर किसी को एक बार ये ट्राई करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए यू नो कि क्या हिडन पोटेंशियल उनमें है. तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है नारी फर्स्ट जो आपको ये प्लेटफॉर्म देता है खुद को जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हो. मैम क्या कुछ आने वाला है इसके अलावा, जैसे कहा था आपने सेकंड सीजन बहुत धमाकेदार होने वाला है, आर यू लाइक प्लानिंग? यस आई थिंक वी विल स्टार्ट प्लानिंग एंड सीइंग द रिस्पांस ऑफ फर्स्ट सीजन वेयर द लेडीज आर सो एक्साइटेड, द कंटेस्टेंट्स एंड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया. अब हमारे को काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, तो ऑफकोर्स वी विल बी कमिंग अप विद द सीजन 2. इट्स गोइंग टू बी मच मोर ग्रैंडर, इट्स गोइंग टू बी मच मोर बिगर. इंस्टेड ऑफ 3 नाइट्स वी विल बी गोइंग फॉर 5 नाइट्स एंड देयर गोइंग टू बी ब्यूटी तो होगा ही, ब्यूटी एंड ग्लैमर उसके अंदर, पर उसके साथ हम लोग न्यूट्रिशन पर बात करेंगे बिकॉज न्यूट्रिशन एक टॉपिक है जो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो खुद हेल्दी रहेंगी तो अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखेगी और हमारा इंडिया हेल्दी होगा. एंड ऑल्सो प्लस मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वील टच ऑन अपॉन. वील टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्स इन योर लाइफ. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन सीजन 2 एंड लोकेशन हम लोग आपको बहुत जल्दी बताएंगे. संदीप सर, जो कंडीशन जो विनर्स हुए, क्या चेंजेस आपने देखा स्टार्ट से लेकर अभी तक? वेल मेरे हिसाब से यहाँ पे हर जो महिलाएं थी वो विनर थी और ये उन विनर्स में से सबसे बड़ी विनर्स थी एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ये बहुत अच्छी इंसान है, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स देम विनर्स. जो अंदर से जो खुशी होती है, अंदर से जो खूबसूरती होती है, बाहर निकल के आती ही है चेहरे पर और आप वो देख सकते हैं. थैंक यू.
We were really happy, especially getting associated with Nari First itself. It is it's really a great honor for us. And more than that, the Naija Organic itself is an woman entrepreneur-led team. So the founder is also woman. The entire team is woman, and it is founded by my sister Prithvi Shetty. And we are really happy to be associated with Nari First, and that too the Malaika Arora coming to the show and giving the award herself. And what more can I expect? Thanks to Eka, thanks to Nari First. We are extremely, extremely proud to be associated with this brand. I'm from Cordelia Cruises, head corporate sales here. We've been known, Eka and the team, since very long, but it is extremely, extremely elated moment for us to be associated with this brand. Looking forward for many, many more editions, many more versions, many more, and seeing Nari First growing and reaching globally. Looking forward. What's your take on this whole event? Kaisa raha bhuka lag raha hai Karol MBI? What do you have to say? I think from the time it started to where it now is, it's been a miraculous journey. Kisne socha tha ki ek thought jo ekta ke dimag mein aaya, usko sochna, samajhna, execute karna, plan karna. I think people create brands. Brands don't create people. Ye brand ek people brand hai, ek women driven brand hai, Nari First brand. Aur mujhe lagta hai this brand can conquer and touch the emotions of the country and all the women of the country. Absolutely. Not only the country, I think globally we will be able to touch. Aur ma'am, aapne ye branding kyun chuna? Why Cordelia? Kyunki ab India mein bhi cruises hain. Hum log sirf apne photos mein nahi dekhenge, filmon mein nahi dekhenge. Now we have luxury cruises in India. So why not, you know, log bahar jaate hain international. Ab India mein ye sab sahuliyat hain. Government is working on it, and Cordelia Cruise is the best cruise. It's got the luxury, it's got all the entertainment, and they were so flexible with all of us. And thank you, Gunjan, and the entire Cordelia team for making this happen for us. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.